नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीके। आष्टा आदिवासी गौरव दिवस में शामिल होने जा रहे आदिवासियों का विधायक ने तिलक और फूल मालाओं से स्वागत किया। शासकीय महाविद्यालय आष्टा और कोठरी के BIT कॉलेज में 5,000 से ज्यादा लोगों के आवास और भोजन की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज आदिवासी गौरव दिवस मनाया गया। इस मेगा सम्मेलन में 2.5 लाख आदिवासियों के शामिल होने की खबर है। कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे 5,000 से ज़्यादा लोगों के आवास और भोजन की व्यवस्था शासकीय महाविद्यालय आष्टा और कोठरी के BIT कॉलेज में की गई। आष्टा विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय ने बसों से आए आदिवासियों का स्वागत तिलक और फूल मालाओं से किया। इस अवसर पर उन्होंने खुद ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर नृत्य भी किया तथा आदिवासियों के साथ बैठकर भोजन किया। देखिए, कल जबरी मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। बिरसा मुंडा जी की जयंती है, उसमें हमारे आदिवासी भाई लगभग 2.5 लाख के आसपास यहाँ वहाँ पर उपस्थित होंगे। और आज हमारे विधानसभा क्षेत्र आष्टा में हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में हमने उनका सम्मान स्वागत किया है। ढोल बजाकर उनका सम्मान किया, माला पिला के सम्मान किया, हमने तिलक लगाकर इन भाइयों का हमने स्वागत किया, सम्मान किया है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे कभी आ नहीं सकते हमारे क्षेत्र में, लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र में आए हैं तो हम सब भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम इनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और इनको स्वच्छ और साफ और निरोग होने की हम भगवान से कामना करते हैं कि ये और आगे बढ़ें और अच्छे काम करें। भारत माता की जय। विधायक जी, कितने लोग आष्टा में और कोठरी में रुकेंगे और इनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है खाने पीने की? यहाँ पर हमारी कॉलेज में 2,000 लोग रुकेंगे। इसमें चाय, नाश्ता, पानी, भोजन की सारी व्यवस्था की गई है, बिस्तर की सारी व्यवस्था की गई, शौचालय की व्यवस्था की गई। किसी भी प्रकार की इन भाइयों को तकलीफ होगी या मुझे तकलीफ होगी, मेरा प्रशासन को तकलीफ होगी, इसलिए हमने सारी तैयारियां पूर्ण रूप से तैयार है और किसी भी प्रकार की हमारे जो मेहमान हैं इनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। कितने लोग रुकने की व्यवस्था? यहाँ पर 2,000 लोग रुकेंगे कॉलेज में और 3,000 लोग हमारे BIT कोठरी में रुकेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि मेरा गांव निजी मेरा गांव है, जहां पर भी हमारे 3,000 लोग हमारे आदिवासी भाई वहां रुकेंगे। और ये हमारा सौभाग्य कि हमारे इस कॉलेज में भी हमारे 2,000 लोग रुकेंगे। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे पूरे सीहोर ज़िले में 22,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था है, जिसमें धार, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, रतलाम और मंदसौर से लोग आ रहे हैं। आष्टा विकास खंड में खंडवा से आने वाले लोगों की व्यवस्था है, VIT कॉलेज में और शहीद भगत सिंह शासकीय कॉलेज में उनके खंडवा के आने वाले लोगों की व्यवस्था है। और हमने उनके रुकने की, उनके ओढ़ने बिछाने की, भोजन की, शौचालय की, पानी की सभी की व्यवस्था की है। और हमारे सम्माननीय विधायक जी ने इसका विशेष प्रयास किया है कि उत्सव जैसा माहौल रहे। वो हमारे मेहमान हैं, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है, तो उनके मेहमान की तरह हम स्वागत कर रहे हैं। और आज रात्रि भोज के बाद हमारा प्रयास है कि सुबह सही समय पे उनको सुबह के नाश्ते और दोपहर के भोजन के साथ हम प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम के लिए रवाना करें। सर, बाहर से आए मेहमान, उसके आपकी चर्चा भी हुई, क्या कहा उनने के समय? मेरी कुछ लोगों से चर्चा हुई, वो सभी यहाँ की व्यवस्थाओं से बहुत संतुष्ट हैं, उस स्वागत से विशेष रूप से बहुत प्रसन्न है। भोजन की हमने बातचीत करी, सभी भोजन की गुणवत्ता से भी प्रसन्न है और उसकी मात्रा से भी संतुष्ट है। देखिए, जो भी हमारे अतिथिगण सभी जगह से यहाँ पे आके रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, इन सभी के लिए हमने उत्कृष्ट व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करी हैं। इसमें इनके ठहरने रुकने की व्यवस्था के उपरांत इनके सुरक्षित रूप से यहाँ पे इनका स्टे रहे और साथ में जब इनका आवागमन हो उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, कोई सड़क में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो और सुगम यातायात के लिए हमने विभिन्न टीमें सभी जगह लगाई हैं। इसके साथ ही सुबह किसी प्रकार का विलंब ना हो इस कारण भी हमने सभी जगह जहां पे चोक पॉइंट्स हैं वहां पे हमने ट्रैफिक का बल लगाया है। किसी प्रकार की यदि जाम लगे स्थिति से निपटने के लिए JCB और अन्य उपकरणों का भी सहारा लिया जा रहा है और हम सभी कटिबद्ध हैं कि इनका जो भ्रमण है, स्टे है, यह अच्छा हो और सही समय पर ये पहुँचें और इनका एक अच्छा सीहोर ज़िले में इनका अच्छा स्टे। सर, लगभग कितनी टीमें लगी और कितना बल लगा होगा इस वक्त के लिए?
देखिए सभी सेंटर्स जो हैं सभी सेंटर्स पे एक टीम लगाई गई है सुरक्षा की दृष्टि से और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के हिसाब से। इसके अलावा यातायात की टीमें सभी जगह लगाई गई हैं। करीब 200 से 250 का बल हमने इसी काम के लिए विशेष रूप से लगाया और कुछ हमने रिजर्व फोर्स रखा है। खबर समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सेन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।